हाय दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल टेक एंड ट्रिक फन में। और दोस्तों, आज मैं फिर से इस अंदर बाहर खेल के लिए ट्रिक लेकर आया हूँ। ये भी एक नॉर्मल ट्रिक है दोस्तों, और ये आप जो कट पत्ता खेलते हैं अपनी भाषा में कुछ भी गेम बोल सकते हैं, कट पत्ता, मांग पत्ता या अंदर बाहर कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। इसके बारे में मैं ट्रिक लाया हूँ दोस्तों। तो एक दोस्त ने बोला कि आप बिना पीसे आप पत्ता को बाहर कैसे कर सकते हैं, इस पर ट्रिक बताइए करके। तो मैं आपको इसमें बिना पत्ता सेट किए भी आप इसमें पत्ते को बाहर कर सकते हैं दोस्तों, वो किस प्रकार से होता है। आइए दोस्तों, मैं आपको वीडियो में ले चलता हूँ। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आप जो लोग भाई लोग मेरे चैनल पर नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि जो भाई लोग नुकसान में होंगे वो इस ट्रिक के माध्यम से अपना लॉस कवर कर सकते हैं या फिर इस ट्रिक से बच सकते हैं फ्रॉड से। और एक भाई ने बोला था कि आप इस गेम को खेलने के लिए प्रेरित करते हो, तो मैं बता दूँ दोस्तों कि मैं इस गेम को खेलने के लिए नहीं बोलता, बस मैं ट्रिक लाता हूँ दोस्तों। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगता है तो आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं या फिर इस ट्रिक के माध्यम से आप फ्रॉड से बच सकते हैं इस प्रकार की ट्रिक लगा कर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को लंबा ना करते आगे बढ़ता हूँ। मैं इसमें से जोकर निकाल लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए जोकर मान लीजिए दोस्तों, आपको पीसा है दोस्तों। कई गेम में ऐसा होता है कि आप बिना पीसे आपको काटना होता है, ऐसा कई प्रकार से खेलते हैं दोस्तों। मैं तो इस पर बोला इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें एक ट्रिक होता है दोस्तों, नॉर्मल ट्रिक लगाना पड़ता है इसमें। ये आपको पीसना नहीं है दोस्तों सामने वाले को, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप इसमें छूट पा सकते हैं। वो कैसे दोस्तों? तो आपको इसमें पकड़ने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। आपको बीच से आपको फोल्ड करना पड़ेगा पत्ते को इस प्रकार से, और नीचे से झुक कर देखना पड़ता है दोस्तों इस तरफ से, तब आपको यह ट्रिक पता चलेगा दोस्तों कि किस प्रकार से इसमें आप पत्ता जो भी है वो बाहर कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, मैं नीचे बहुत नीचे में है दोस्तों, ये मैं जो वीडियो बता रहा हूँ वो, तो मैं थोड़ा ऊपर ला लेता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से आप पकड़े, मैं हाथ में पकड़ा हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब आप इस प्रकार से मोड़ते हैं पत्ता, तो सिर को थोड़ा झुका ले दोस्तों कि आप कौन से पत्ते को काट रहे हैं, और एक तरफ से दोस्तों पत्ते को इस प्रकार से फैलाना पड़ता है इस प्रकार से थोड़ा। तो आप ऐसे झुकाओगे दोस्तों तो नीचे साइड में आपको इस प्रकार से पत्ता दिखता है दोस्तों, आप करके देख लेना, इस प्रकार से पत्ता दिखता है। तो आपको उसी फाइन छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, इस प्रकार से फाइन आपको इसमें छोड़ना है, इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है पत्ता। और जब आप झुकोगे दोस्तों, जब आप यहाँ से झुक जाओगे तो आपको पत्ता फिक्स पता चल जाएगा दोस्तों कौन से जगह पर है कौन से है। तो आप इस प्रकार से आप काट सकते हैं दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी प्रकार से काटना होता है दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको इसी प्रकार से दिखा देता हूँ दोस्तों। आपको बिना पीसे काटना होता है, तो आपको पत्ते को इस प्रकार से फोल्ड करना पड़ता है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से, और थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए जाना पड़ता है दोस्तों पत्ते को, ऐसे करके थोड़ा सा छोड़ना है, ज़्यादा समय नहीं मिलता है दोस्तों इसमें। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि आप इस पर जो पत्ता है वो पता चल जाता है कि कौन सा छूट पत्ता है कौन सा आड़ पत्ता है दोस्तों। तो आप एक समय के लिए बस इसी प्रकार से आपको, अगर आप देखे हैं दोस्तों कि कौन सा पत्ता है इसमें, होता है और है दोस्तों, अगर आपको पता है कि यही पत्ता है तो आप इस प्रकार से काट सकते हैं दोस्तों, ये देखिए। लेकिन मैं ये सरफेस थोड़ा नीचे है दोस्तों, इसलिए मैं हाथ में ऊपर करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। लेकिन जैसे कि आपको ध्यान भटकाने के लिए दोस्तों इसी को और किस प्रकार से करते हैं दोस्तों मैं बता रहा हूँ। ये काट लेगा दोस्तों, कोई भी तरीके से काट लेगा और बाद में उलझाया रखता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, एक बार वो इस प्रकार से फैला कर देखता है दोस्तों कि कौन सी जगह पर है। ये देखिए दोस्तों, इसमें है ये पान का दुक्की। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इस प्रकार से थोड़ा सा फोल्ड मार देगा पान की दुक्की को इस प्रकार से बिना पीसे, और फिर से आपको बात करेगा दोस्तों कि आप इस पर पीसो। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, फिर से आप इसमें पीसने लगेंगे, वो सामने वाला नहीं पीसता है दोस्तों, आप पीसोगे इस पर जो पत्ता पकड़ा है। तो इस प्रकार से जो फोल्ड किया है दोस्तों, इस यहाँ पर मार्क बन जाता है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से मार्क बना है। तो क्या करेगा दोस्तों, बस इसी को मार्क पहले पत्ते को उठाएगा दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हुआ है मेरे से, इसी प्रकार से मार्क किए हुए पत्ते को उठाता है दोस्तों। मैं इसमें ट्रिक बताता हूँ दोस्तों खाली, ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से फोल्ड मारता है, उसके बाद मार्क किया हुआ पत्ता उस फाइन उठाता है दोस्तों। मैं इसमें पूरी तरह से ट्रेन तो नहीं दोस्तों, बस ट्रिक बस बताता हूँ किस प्रकार से होता है। ये देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से चलता है दोस्तों गेम। अगर ये आपको ट्रिक को आप समझ में आए हैं दोस्तों,
तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर समझ में नहीं है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये ट्रिक फिर से बताओ करके, तो मैं इसमें और अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए बस इतना ही।